हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज देखते हैं प्रमुख प्रमेय जो कि आपके जो कई एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उसमें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर एक। दोस्तों, कोई त्रिभुज है एबीसी, यदि उसमें एक भुजा के लिए बढ़ा दिया जाए तो जो भयस्कोण बनता है, भयस्कोण दो अंताकोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का भयस्कोण दो अंताकोणों के योग के बराबर होता है, तो इसका मान दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अगली प्रमेय है कि यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी और उसमें दो भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदुओं के लिए मिला के जो रेखा होती है, जो डी सी डी और ई दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा यानी बी सी के समानांतर और आधी होती है। यदि इसकी लंबाई 12 है तो इसकी लंबाई 6 होगी। अगली प्रमेय है कि त्रिभुज के तीनों कोण यानी ए बी सी, ये आपके फैक्ट है ये वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। और चतुर्भुज में या फिर वर्ग में या फिर आयत में जो आपका चारों कोणों का मान होता है वो 360 होता है। अब अगली प्रमेय देखते हैं नंबर चार। यदि कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी चतुर्भुज का यदि कोई एक विकर्ण मिला दिया जाए, यदि कोई एक विकर्ण मिला दिया जाए तो जो आपके दो बनते हैं त्रिभुज, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। किसी भी समानांतर चतुर्भुज में यदि किसी एक विकर्ण के लिए मिला दिया जाए तो जो दो त्रिभुज बनते हैं उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगली प्रमेय है नंबर पाँच। यदि कोई अर्धवृत्त है और उसमें कोई कोण बना है तो उसका मान 90 होता है, यानी अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए हमें याद रखना है अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है अथवा समकोण होता है। सीधा सीधा कभी पूछ लेता है अर्धवृत्त में बना कोण होता है नंबर एक समकोण, नंबर दो न्यून कोण, नंबर तीन अधिक कोण, नंबर चार समकोण, इस टाइप से ऑप्शन दे के भी पूछ लेता है। अगली प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं हैं, किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके जो सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो जितना कोण आपका बी होगा उतना कोण आपका सी हो जाएगा। अगली प्रमेय नंबर सात। यदि दो समांतर रेखाएं हैं, मान लिया एक ए वाली एक ए वाली समांतर रेखा है, इसमें दो बने त्रिभुज जिसका आधार समान है, यानी बी सी आधार ए बी सी का भी है और बी सी डी का भी आधार है, तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं कि आपका आधार सेम होना चाहिए और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होना चाहिए, तभी आपके दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसी टाइप से आपका ए बी है कि इसमें क्या है कि दो समानांतर रेखाएं होनी चाहिए और आधार समान होना चाहिए। इस पर क्या है कि बना एक त्रिभुज और ये बना आपका एक चतुर्भुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। किसी किन्हीं भी दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित एक त्रिभुज और चतुर्भुज जिनके जिनका आधार एक ही है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अगली प्रमेय है नंबर नौ। किसी वृत्त कोई वृत्त दिया गया है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो यदि पी क्यू की लंबाई 10 है और हमने यहाँ से क्या डाल दिया आपका लंब डाल दिया तो ये 5 होगी और ये वही 5 हो जाएगी। अब अगली प्रमेय है प्रमेय नंबर 10। कोई इस टाइप से वृत्त है और एक कोई रेखा हमने खींच दिया फिर जीवा खींच दिया आपकी पी क्यू मान लिया, तो इस पर जो आपके ऊपर एक खंड में जैसे हमने यहाँ बनाया हमने एक त्रिभुज इसका कोण है आपका बाई, इसी टाइप से हमने ए बनाया इसका कोण है आपका एक्स, तो एक ही रेखाखंड में स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण 10 प्रमेय देखी जो कि कई एग्जाम में आती हैं और इनके लिए कंठस्थ याद कर लें और जो इस पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।